चैनल आई एम रोहिणी एंड यू आर वॉचिंग ट्रिक्स फॉर यू। आज हम देखने वाले हैं 3 डिफरेंट पफ हेयर स्टाइल जो बहुत ही इजी है बनाना। कुछ ही मिनटों में आप इसे बना सकते हो, मतलब 2 मिनट में। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हैं तो भी आप इसे ट्राई कर सकते हो। तो तीनों हेयर स्टाइल में से जो भी हेयर स्टाइल आपको अच्छी लगे मुझे जरूर कॉमेंट करके बताना। स्टाइल को बनाने के लिए हमें लगेगा एक कॉम ऑब्वियसली, और एक पफ मेकर जिसे हम बम्पिट भी बोलते हैं, और कुछ टिक टैक पिंस। वीडियो अच्छी लगे तो आपको पता ही है लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल। ट्रिक मैं आपको देना चाहूंगी, अगर आप अपने बालों में वॉल्यूम लाना चाहते हो तो ये चीज करके देखना। आपको पूरे बालों को आगे की तरफ लेना है और इस तरीके से करना है अपने फिंगर्स के हेल्प से, इससे आपके बाल तुरंत ही वॉल्यूमिनस। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल पफ कैसे बनाना है, और उसके लिए स्टार्ट करेंगे अपने आईब्रोज के एंड से। आईब्रोज के एंड से आपको बालों तक जाना है और अपने बालों का फ्रंट सेक्शन लेना है। जो सेक्शन हमने यहाँ पे लिया है उसको बैक कॉम करेंगे ताकि आपके बाल वॉल्यूमिनस दिखे। बैक कॉम के बाद आपको और एक बार एक लाइटली कॉम करना है। उसके बाद आपको आपने जो भी बालों का सेक्शन लिया है उसको अच्छे से ट्विस्ट करके आगे की तरफ आपको पुश करना है। अब मैं इनको सिक्योर करूंगी टिक टैक पिन से। आप चाहो तो बॉबी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बॉबी पिन से मेरे बाल सेट नहीं होते क्योंकि मेरे बाल बहुत ज्यादा सिल्की हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक टैक पिन यूज किया है। तो इस तरीके से मैंने सिंपल पफ हेयर स्टाइल यहाँ पे बनाया है। तो आप जब भी जल्दी में हो या ऑफिस जाने के लिए आपको लेट हो रहा है तो इस तरीके का आप सिंपल पफ हेयर स्टाइल बना। सेकेंड हेयर स्टाइल में मैं यूज करूंगी ये बम्पिट। बम्पिट आप देख सकते हो इसके फ्रंट में और बैक में एक डिजाइन दी गई है जिसके वजह से ये बालों में अच्छी तरह से स्टिक होता है। अब आपके बालों का फ्रंट सेक्शन लेना है पहले जैसा ही, और उसके 2 पार्टीशन करना है, ऊपर वाला पार्ट और जो नीचे वाला पार्ट है उसके बीच में आपको इस बम्पिट को अच्छी तरह से। अब ये जो बम्पिट है थोड़ा विजिबल है तो शायद मुझे और बालों की यहाँ पे जरूरत पड़े, तो साइड से मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बाल लेके इसे हाइड कर लूंगी प्रॉपरली। बम्पिट सेट होने के बाद हम इसे सिक्योर करेंगे टिक टैक पिन से। आप चाहो तो यहाँ पे क्लचर का भी यूज कर सकते हो। और इस तरह से मेरा सेकेंड हेयर स्टाइल बन गया। बहुत ही ये प्रीटी लगेगा, आप इसे ट्राई कर सकते हो ऑफिस लुक के लिए। बहुत ही स्टाइलिश लुक देगा ये आपके आउटफिट पे, तो आप इसे जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना ये आप पे कैसा लग रहा है। थर्ड हेयर स्टाइल है साइड पफ। मैं फिर से अपने बालों को कॉम कर लूंगी, और ये हेयर स्टाइल मेरा सबसे फेवरेट है क्योंकि इजीली बन जाता है। इसे मैं ट्राई करती थी अपने कॉलेज दिनों में। तो फ्रंट सेक्शन को आपको यहाँ पे साइड में लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे आपको ट्विस्ट करके टिक टैक पिन से सिक्योर करना है। तो पफ बनाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी बालों का सेक्शन ले रहे हो उसको ट्विस्ट करके आगे की तरफ पुश करना है ताकि आपका पफ प्रॉपरली बने। तो इस तरीके से ये मेरा बन गया थर्ड पफ हेयर स्टाइल जो बहुत ही इजीली बनता है। अगर ये हेयर स्टाइल आपको अच्छी लगे तो मुझे प्लीज कमेंट कर। ऑल फॉर टुडे, आपको इसमें से जो भी हेयर स्टाइल पसंद आए आप जरूर ट्राई करना। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा फ्लैट है तो आप पफ मेकर यूज कर सकते। Thank you for watching. See you in the next video. Bye.